हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम सीखने जा रहे हैं के मैप सिंप्लीफिकेशन में सम ऑफ प्रोडक्ट का एक एग्जांपल। तो बुलियन फंक्शन को सम ऑफ प्रोडक्ट या एसओपी के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले के मैप बना लेते हैं। के मैप बनाने से एक्सप्रेशन जो हैं बड़ी आसानी के साथ में आप लिख सकेंगे। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप इसको कन्वर्ट कर लें बाइनरी में और उसके हिसाब से एक्सप्रेशन बना लें, तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में। लेकिन हम के मैप से कैसे एक्सप्रेशंस बनाते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी डी सी बार डी बार सी बार डी सी डी और सी डी का बार। इसी प्रकार ए बार बी बार ए बार बी ए बी और ए बी का बार। हम देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ हैं 3, 7, 11, 12। तो 3 कहाँ पे आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 14, 15 ये वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं। करना हमें यह है कि ये जो वैल्यूज़ हैं सबसे पहले इनकी हम क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ग्रुपिंग करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम एक्सप्रेशंस को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो ये 4 का एक बड़ा सा ग्रुप बन रहा है और दूसरा ये 4 एलिमेंट्स का एक ग्रुप हमने यहाँ पे बना लिया। अब आगे की बात ये कि इसका हम एक्सप्रेशंस कैसे बना सकते हैं। तो देखिए एक्सप्रेशंस बनाने के लिए 2 तरीके हैं। मैं पहले आपको इजीएस्ट मेथड बताऊंगा, उसके बाद में फिर आपकी मर्जी है, आप जो चाहें चुन लें। तो हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ लिखना एक्सप्रेशन को। तो ये जो 1 है ये कौन कौन से रो से और कॉलम से जुड़ा है, हमें उन दोनों चीज़ों को यहाँ पर लिख देना है। जैसे ए बार बी बार और यहाँ से लेंगे हम सी डी प्लस। अब चूंकि सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो ये हमारे एलिमेंट्स के प्रोडक्ट हो गए और उसके बाद में हमें क्या लिखना है, सम। तो यही एसओपी होता है। उसके बाद में फिर हमको लिखना है नेक्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या है, ए बार बी और यहाँ पे सी डी प्लस। इसको जो है ये दोनों में कॉमन है, तो आप चाहें तो इसे बाद में भी लिख सकते हैं और अभी भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे भी फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा ए बी का बार और सी डी। तो इस पूरे कॉलम से हमने 3 एलिमेंट्स, ये पहला दूसरा तीसरा निकाल लिया। अब हम चलते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है प्लस ए बी और यहाँ पे है सी बार डी बार प्लस। दूसरा है हमारा ए बी, क्योंकि ए बी कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, सी बार डी प्लस। अब हम इसे लिख लेते हैं प्लस ए बी सी डी और लास्ट में बचा आपका प्लस ए बी सी डी का बार। तो इस तरीके से जैसे आपकी 7 वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे 7 प्रोडक्ट्स जो है निकल के सामने आ गए। अब हम इसे करेंगे क्या, इसे सॉल्व करेंगे अपने बूलियन अलजेब्रा के मेथड से। जो जो चीज़ें कॉमन होगी इसे कॉमन निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो तरीका है ये लेंथी मेथड है। इससे आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि आप इसे सॉल्व कैसे करते हैं या आखिर सॉल्व होता कैसे है। इसके बाद में आने वाले जो एग्जांपल्स हैं उसे हम डायरेक्टली उसे सॉल्व करके देखेंगे। तो केवल इस लेक्चर में आप एक बार पेशेंस के साथ इसे सुने। अब देखिए यहाँ पे कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इस एक्सप्रेशन में, इसमें और इसमें सी डी जो है वो कॉमन है। तो हम यहाँ से सी डी को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर में बचेगा ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी का बार। देन आफ्टर प्लस, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, ए बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। चारों में क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, ए बी को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर में बचेगा सी बार डी बार प्लस सी बार डी प्लस सी डी प्लस यहाँ पे बचा सी डी का बार। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसे देख लेते हैं इसमें हमारे पास में क्या बच रहा है। तो देखिए ए बी तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचने वाला है। कैसे, सी बार डी बार और सी बार डी में सी बार कॉमन निकालिए, अंदर में बचा डी बार प्लस डी और यहाँ पे आप कॉमन निकालिए सी को, तो अंदर में बचा डी प्लस डी बार। अब हमें पता है डी प्लस डी बार प्लस डी कितना होता है, 1 होता है। वैसे ही डी प्लस डी बार भी कितना होता है, 1 होता है। डॉट किसके साथ कर रहे हैं, सी के साथ कर रहे हैं और सी बार का डॉट भी किसके साथ कर रहे हैं, 1 के साथ कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का आप डॉट निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं 1 के साथ, तो क्या बचता है, सी बार प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सी। और रूल के हिसाब से सी प्लस सी बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 डॉट यहाँ पे ए बी है, तो फाइनली आपके पास कितना बचेगा, ए बी। तो बात आपको समझ में आ गई कि आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या बच रहा है, केवल ए बी ही बचेगा।
तो अब मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे केवल क्या लिख दे रहा हूँ, ए बी लिख दे रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास में सी डी है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, ए बार कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे बचेगा बी बार प्लस बी, और इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं ए बी का बार। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो सी डी के साथ में बचा ए बार यहाँ पे, क्योंकि बी बार प्लस बी हो जाएगा वन, यहाँ पे बचेगा केवल ए बार प्लस ए बी का बार और ये वाला प्लस ए बी। तो इस तरीके से आपने यहाँ तक सिंप्लीफाई किया। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो आप इसे फर्दर यदि सॉल्व करेंगे, सॉरी थोड़ा मेरा मोबाइल जो है पटका गया था। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि ए बार सी डी प्लस ए बी बार, इसे हमने अरेंज कर लिया इस तरीके से, मतलब ये ए बार को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में देखिए इस ए बी को मैं यहाँ पे ले आया, यहाँ पे ए बार सी डी है और ए बी का बार है। अब हम जानते हैं कि सी डी प्लस सी डी बराबर सी डी ही होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सी डी को बाहर निकालेंगे तो अंतर बचेगा यहाँ पे ए बार और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास में केवल बी बार, तो ये इसका फाइनल आउटकम आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि के मैप के थ्रू आप अगर एक लॉन्ग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आपका सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम आसानी के साथ में एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं उसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यदि क्वेश्चन आप खुद से बनाएं, मतलब आप चाहें तो बना सकते हैं, जैसे ए बी सी तीन वेरिएबल हैं आपके पास में, और यदि आप एक्सप्रेशन बनाएं समेशन ऑफ, आपको बस ये करना है कि 0 to 7 तक में कोई भी नंबर लिख लेना है यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, 2, 4, 5, 6, ये मान लीजिए मैंने 5 नंबर्स ले लिए। तो 3 वेरिएबल के मैप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक्सप्रेशन लेंगे, के मैप का डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी सी। अब देखिए यहाँ पे आता है, आपको पता है बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी का बार, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बार और ए। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 है तो 0 1, फिर हो गया ये सॉरी यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा, और उसके अंदर आता है 4, तो ये 0 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस को फिल कर सकते हैं। अब आपको पेयरिंग करने की बारी आती है, तो पेयरिंग इसकी, ये जैसे 2 वेरिएबल्स हैं, इसकी पेयरिंग हो गई, इन दोनों की पेयरिंग हो गई, और यहाँ पे इन दोनों की आप पेयरिंग कर सकते हैं, तो सारे आपके जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो कवर अप हो गए। अब इसका एक्सप्रेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप जैसे ऊपर से भी चालू कर सकते हैं, नीचे से भी, यहाँ से भी, ए से भी चालू कर सकते हैं, तो इस बार मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आपका पहला एलिमेंट है ए, तो आप ए लिखेंगे, देन बी बार सी बार आप इस तरीके से लिखेंगे, ये पहला हो गया। दूसरा आपके पास में क्या है, प्लस ए बी बार सी, ये वाला। फिर उसके बाद में आपका ये थर्ड वाला है, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, ए बार है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे ए बार बी बार सी प्लस, यहाँ पे आ जाएंगे तो ये बचेगा ए बार बी सी बार, और ये लास्ट एलिमेंट बचा आपका पांचवा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बी सी बार। सो इफ़ यू विल सॉल्व इट फर्दर, आपके पास में फाइनल एक्सप्रेशन आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बी बार सी कॉमन निकल गया, तो बचा बीच में ए प्लस ए बार, यहाँ पे कॉमन निकल गया बी सी का बार, तो बीच में बच गया ए प्लस ए बार। यू कैन सॉल्व इट फर्दर, तो आपके पास में क्या बचेगा, बी बार सी, यहाँ पे ए प्लस ए बार कैंसिल हो जाएगा, आई मीन 1 बचेगा, डॉट 1 करेंगे तो आप वही आएगा, देन बचेगा बी सी का बार, और यहाँ पे आपके पास में ए बी सी का बार। अब देखिए यहाँ पे बी सी बार है, यहाँ पे भी बी सी बार है, इसको आप कॉमन निकाल लीजिए, तो बी सी का बार कॉमन निकला, बचा के अंदर में ए प्लस 1 प्लस बी बार सी। सो फाइनल आउटकम आप इसका, यहाँ पे ए का जब हम निकालेंगे 1 के साथ में, तो यहाँ पे ए जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में बी सी बार और बी प्लस बी बार सी। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं, फाइनल आउटकम हमारा यही है। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं, यदि कोई आपको डाउट हो तो हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम आगे बढ़ेंगे, डोंट केयर कंडीशन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में डोंट केयर कंडीशन का डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए यदि आपको पसंद आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।